रोज विरार से हाथ में काला बैग पकड़कर आता है एक टूटा हुआ ख्वाब जिसकी जिंदगी में उम्मीद के नाम पर सिर्फ अफसोस है। सर से सर लगाकर चढ़ती उतरती भेड़े अंधेरी दादर से बोरीवली डोंबीवली तक कदम से कदम मिलाकर सीढ़ियों पर चढ़ता झुंड जिसे पहुंचना है दफ्तरों में जाकर बैठना है कुर्सियों पर जिन पर कल कोई और बैठता था कल कोई और बैठेगा झुंड जिसे गुलामी का इतना शौक पड़ चुका है कि उनकी कहानी किसी पेंटिंग से कही जाए तो पेंटर थक जाएगा खींच के लकीरें गोल 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 और छोड़ देगा बनाकर एक मोटा सा गोला एक ही जगह पर घूमता दिशाहीन पहिया जिसे कहीं नहीं पहुंचना। और यही ख्याल है जो उन तक नहीं पहुंचता है। आसपास बहुत ऊंची इमारतें हैं शायद टकराकर गिर जाता होगा कहीं अब कौन जाकर देखे इमारतों के उस पार पड़े उस टूटे जख्मी ख्याल को जो उन तक पहुंचना चाहता था। एक 50 साल 30 साल दिखने के जुनून में जब धीमी चलती लोकल से उतरने की कोशिश में गिरते गिरते बचता है तो अंदाज़ा लगा लेता है कि अगली मर्तबा जवानी आजमाने की कोशिश नहीं करेगा। और उसकी बीवी लॉक फूटने से पहले ही निकल आई, बीमार बेटी का पता करने आई थी, थोड़ा उसके साथ रोने थोड़ा हंसने थोड़ा धीमी आवाज़ में ये कहने कि कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता है अपना घर बचाने के लिए, जानते हुए कि कुछ तो मैं कर ही सकती थी। और इन सब में एक भीड़ मैं ये सोचता हूँ कि तिवारी अब 32,000 तनख्वाह लेता है, मेरी कविताएं लोग पैसे लेकर भी नहीं सुनते। भीड़ बनने में क्या बुरा है, कविताएं तो लिखी जा सकती हैं। भीड़ कवि सुनने में इतना बुरा नहीं लगता। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। आजादी कोई रातों रात खिलने वाला फूल नहीं है, ये वो पर्वत है जो धधकते ज्वालामुखी से निकली आग की लहरों से पर्वत का आकार लेती है।